ब्रह्मा कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियो के पीस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं केबीसी से फेमस हुए अरुणोदय शर्मा, जो कि 10 साल के हैं और अपनी हाजिर जवाबी, बेबाक बातों और ज्ञान युक्त बातों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अरुणोदय शर्मा से। ओम शांति अरुणोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका गॉडलीवुड स्टूडियो के पीस न्यूज में। नमस्कार, ओम शांति। अरुणोदय, आपकी जो इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, आपकी जो हाजिर जवाबी होती है, वो बहुत सभी को इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ तक कि जब आप केबीसी के सेट पे गए तो अमिताभ बच्चन भी आपकी बातें सुनकर स्पीचलेस हो गए। तो आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? इतने अच्छे वर्ड्स आप कैसे चयन करते हैं? हम सबके पास अपने अपने शब्द हैं। हम सब इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल सकते हैं, सबको अपने अपने शब्दों के जाल में फंसा सकते हैं, सबको मदरमुक्त कर सकते हैं अपने शब्दों से। मगर बात यह होती है कि हमारी कंफर्ट जोन, हमारे शब्दों में भी कंफर्ट जोन होता है। अब आजकल की जैसे युवा पीढ़ी है, दे फील कंफर्ट जोन अपने इंग्लिश भाषा में, वो कंफर्ट फील करते हैं, वो जो छोटे छोटे शब्द हैं वो इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं। और मेरा कंफर्ट जोन हिंदी का है और मैं हिंदी के शब्द बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, और वो तो आपके कॉन्फिडेंस पे है। और एक और चीज़ भी है, हम बोलते हैं समझदार वो होते हैं जो चुप रहते हैं। मैं कहता हूँ समझदार वो नहीं होते जो चुप रहते हैं, समझदार लोग वो होते हैं जो कि चुप रहते हैं मगर सही समय पर बोलते हैं। अच्छा, आपने कहा कि जैसे हिंदी भाषा आपको अच्छी लगती है और आजकल जो बच्चे हैं इंग्लिश की तरफ बहुत रुझान है उनका, तो आप कैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोग इसको अपनाएं, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ऐसा मानते हैं कि हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, बट वो हम संस्कृत है, लेकिन हम उसे भूल गए। वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बोलना कोई गलत बात है। इंग्लिश, हाँ ये है फ़र्क, आप इंटरनेशनली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा है मेरे अपने स्कूल में भी कि जो छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स हिंदी सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में घर पे बात होती है। ऐसे करके तो हम हिंदी भी भूल जाएंगे। जब आज की युवा पीढ़ी को ही हिंदी नहीं आएगी, तब हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कैसे हिंदी पता चलेगी? आपसे जानना चाहेंगे कि जो केबीसी में आप गए थे, तो वहाँ आपका जो अनुभव था, आप महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से मिले, तो किस तरह आपका पहला इंटरेक्शन उनसे हुआ था और किस तरह की वहाँ बातचीत हुई आपकी अमिताभ जी से? जी, अमिताभ बच्चन स्वयं हमारे सामने खड़े हैं, तो हम बस अपने हाथ लाल करते जाते थे तालियां बजा बजा के, और हम बहुत अच्छा लगता था। फिर बातचीत, जब ये एडवर्टाइजमेंट्स की बारी आती थी, जब यहाँ पर ब्रेक लेते थे, तो उस वक्त कई बार जो है बच्चन साहब अपने का रूम में जाते थे, बैठते थे, चाय चुए पीते थे, कभी कभार हम सही गपशप मारते थे, तो हम उनसे बातचीत करते थे, तो वो भी बड़े मज़ेदार होती थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चन साहब ऑन कैमरा जितने अच्छे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छे हैं वो ऑफ कैमरा। कविता सबके सामने प्रस्तुत की थी केबीसी के शो में, एक एपिसोड में की थी, और इतने मधुर मधुर वचन उन्होंने गाए थे उसी में, तो कविता तो लग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो हमें ही कुछ संदेश दे रहे हैं। और कोई वहाँ के जैसे बच्चों का बताएंगे कि केबीसी में कितने बच्चे गए थे और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, आप इतने लकी रहे और आपको जाकर बच्चन साहब के साथ हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला? कई लाख बच्चे उसके ऑडिशन के लिए गए और लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दो चीज़ें, एक दो ये ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी बोली, विश्वास और आपका परिश्रम, ये ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें पाना बड़ा मुश्किल है। इन्हें पाना, मैं नहीं कहता ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इन्हें दिल से पाना पड़ता है। आपको आपके दिल और मन को एक करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, आपको अपने मन में साहस खुद ब खुद भरना पड़ता है कि हाँ मैं करूँगा, और पहुँच जाते हैं बस। तो आपसे जानना चाहेंगे और कोई मूवमेंट जैसा अमिताभ बच्चन के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जो आपके लिए स्पेशल होगा ऑफ द रिकॉर्ड जो हुआ? क्या हुआ कि जब हम निकलने लगे बच्चे, कई तो निकल गए, फिर मैं लास्ट में जैसे जब निकलने लगा,
तो वहाँ जैसे मेरा वहाँ एक तार जैसी लगी होती थी, मेरा उसमें पाँव फंसा, मैं वहाँ आगे की तरफ गिरा और किसी ने मेरे को संभाला। मैं ऊपर देखूँ यहाँ जैसे बच्चन साहब मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। वो एक इतना स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। और साथ ही साथ में उस वक्त जिस वक्त जो है उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया था उस चेक पर, वो भी बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। आपने एक मैथोलॉजी और रिलीजन करके सब्जेक्ट चुना था KBC में, तो ये आपका इस तरफ कैसे इंटरेस्ट आपका बढ़ा? एक जो मैं मानता हूँ एक किताब ऐसी है जो कि आपको वैल्यू सिखा सकती है लाइफ की, वो है अध्यात्म। आप मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, गीता में भगवान के जिक्र कम है, लेकिन उसमें ज़िंदगी जीने के जिक्र, वो ज़िंदगी कैसे जीनी है उससे भरा हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के ज़माने में हम लोगों को, हम अपनी इन पुराणों से दूर जाते जा रहे हैं। और ब्रह्म कुमारी में कल आया था ब्रह्म कुमारी इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमारी बातचीत चल रही थी यहाँ के मेम्बर्स के साथ, तब उन्होंने मुझे बात बताई थी कि शिव बाबा कहते थे कि जो है कि कभी लिटरेचर सेल नहीं होना चाहिए। उस बात ने मेरे को इतना वो फील करवाया कितनी सही सच बात है। तो वही बात है, लेकिन हम और ख़रीदने की बात, तो लिटरेचर सोल्ड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में हम खुद भी उसके पास नहीं आ रहे हैं, हम खुद भी उससे दूर जाते जा रहे हैं। और इसी वजह से अब हम जीना ढंग से भूल गए हैं, कैसे हमें असली तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, वो हम भूलते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप में कोई ऐसी पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप पिछले जन्म से लेकर आए, या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? जैसे यहाँ मुझे बताया था कि ऐसे माना जाता है कि आत्मा ड्राइवर है, गाड़ी निर्जीव है, वो उसे चला ड्राइवर है, ऐसे आत्मा और शरीर है। तो यही बात है कि जब आत्मा किसी एक शरीर में जाती है, तो वो जो शरीर है वो आत्मा भूल जाती है सब कुछ, क्योंकि आत्मा सब कुछ भूल जाती है लेकिन परमात्मा को सब कुछ याद होता है। तो आत्मा जब भूल जाती है, वो पाप करती है, कई सद्गुण करती है और अपने जीवन जीती है एक आम इंसान की तरह, मनुष्यता को कुछ देती है, कभी कभार मनुष्यता से ही कुछ ले लेती है। तो उसके बाद जब इंसान देह त्यागता है, उसके बाद आत्मा की शुद्धि होती है, और वो शुद्धिकरण के बाद जो आत्मा, मतलब एक नए कपड़े वाली बात है, जैसे आप नहाते धोते हैं तो उसके बाद आप नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े परे फेंकते हैं, तो वैसे ही आत्मा करती है। आपने KBC में भी बताया था कि आपकी बुजुर्गों के साथ केमिस्ट्री बहुत जमती है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल के साथ खेलना पसंद करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न, लैपटॉप्स पे काम करना, और बुज़ुर्गों से उनका कनेक्शन थोड़ा कम हो गया है, खासकर कि जो मेट्रो सिटी है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? किसी का फैमिली बिजनेस है, तो चाहे वो बिजनेस में MBA जो मर्जी कर ले, बिजनेस में मास्टर्स कर ले, लेकिन जो ज्ञान उनके दादा परदादा दे सकते हैं उनको बिजनेस के बारे में, वो कहीं नहीं सिखाएंगे, कहीं बिजनेस कॉलेजेस में नहीं सिखाएंगे। बहुत से बच्चे हैं जो गरीब हैं और आपकी तरह भी सपना देखना चाहते हैं। बहुत से बच्चे KBC में शायद इसीलिए नहीं जा पाते कि उनके पास फाइनेंशियल या उनके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे क्या सपने ना देखें, या उन्हें सपने देखते हैं किस तरह अपने सपनों को साकार करें? हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज तभी करेंगे जब हम उससे हम दृढ़ता रखेंगे अपने अंदर, जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, जब हम पूरी तरह ठान लेंगे कि हमने करना है ऐसा। और आजकल जो है ये सही शक्ति आपकी दृढ़ता, इसी में कमी है। ये जो मोबाइल वगैरह है इसने ही हमारी जो है जो दृढ़ता है, हमारी जो शक्ति है, हमारी अपनी शक्ति है अंदर की, वो दबा दी है, हम इसके ऊपर निर्भर हैं। ब्रह्मा कुमारी में पहली बार आपका कैसे जुड़ा हुआ? 3-4 महीने पहले से ही हमारी बात थी नितिन जी से, तो जून जुलाई के महीने से हमारा बड़ा मन था। तो मेरी माता जी तो ना इस बार नहीं आ सकी, क्योंकि घर में मेरे बड़े भाई साहब भी है, तो वो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए इस बार तो मेरे पिताजी ही आया, लेकिन ऐसी मनमोहक जगह है यहाँ पे, जो यहाँ प्रवचन चलते हैं वो भी दिल को छू जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो आप ही के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे जाते जाते
एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं, तो कुछ आप कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। सूरज भी निकलता है जहाँ लिए गम, फूलों की हंसी देख के रुक देती है शबनम। वो भूल गए थे कि दुनिया है सराए, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो। थैंक यू अरुण दे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। उम्मीद करते हैं आपको भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए विदाई। ओम शांति।